देखिए जट जटिन बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मैंने लोकप्रिय लोक नृत्य है, लेकिन आज भी गांव में करते हैं, लेकिन थोड़ा सा है कि कुछ उसमें कमी होती चली आ रही है। और इसके कारण क्या है कि उसको काफ़ी हम 30-35-40 वर्षों से लगभग इस पर मैं काम कर रहा हूँ, और काम करने का ये सिलसिला है कि पहले मैं उस पर काफ़ी शोध किया, उस पर किताबें लिखी, उसमें नाटक का स्क्रिप्ट लिखा, फिर हमने वो नाटक किया, और नाटक लगातार करते रहे। हजारों शोज़ किए हमने, और काफ़ी लोग भी कर रहे हैं, दूसरे संस्थाओं के लोग भी कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने सराहा। बिहार सरकार ने मुझे जट जटिन का गुरु घोषित किया समूचे बिहार का, तो मेरी जवाबदेही और भी बढ़ गई। ये क्या कहते हैं कि समूचे हिंदुस्तान में तो हमने जट जटिन को झारखंड से अलग होने के बाद, जो बिहार बड़ा लोक नृत्य के मामले में बड़ा कमज़ोर हो गया था, उसको हमने स्थापित कराया। तो अब लगा कि थोड़ा सा देश के बाहर भी इसे स्थापित हो, जिसके लिए हमने वो फिल्म बनाना ज़रूरी समझा, और इसका रेंज भी थोड़ा वाइड हो जाएगा और इसका आयाम बढ़ जाएगा, ज़्यादा लोग देख सकेंगे और अपनी हम बिहार की लोक संस्कृति को दूर दूर तक फैला सकेंगे। देखिए इसमें बिहार में दो तरह की बातें चल रही है, एक तो इसके उद्भव की कहानी है, जो वो समस्तीपुर जिला का धमोन जलालपुर है, वहाँ कुछ जाट परिवार आके बस गए थे हरियाणा से, और वो लोग जो जाट जाटिन जो नृत्य गीत किया करते थे हीर रांझा वाली, उसी को कालांतर उसी में थोड़ा ये मॉडिफिकेशन होते होते वो बिहार का हो गया, पूरा जट जटिन हो गया। एक दूसरा है कि बरसात के शुरुआती दिन में मिथिलांचल में जब बारिश नहीं होती है तो महिलाएं मेढक पकड़वा के वो खल में गांव के बाहर निर्जन वन में जाके वो निर्वस्त्र होकर ये गीत नृत्य करती हैं, इसीलिए पुरुषों का देखना मना है, और वो मरे कुचले मेढक को जाके किसी झगड़ालू बुढ़िया के छप्पर पर फेंकी जाती है। कहा जाता है कि बुढ़िया जितनी गालियाँ बकती है उतनी अधिक बारिश होती है। बिल्कुल फोक होते हैं, एकदम वहाँ के जो मूल व्यक्ति हैं उनके हृदय से जो बातें निकली हैं, इसके न कोई रचनाकार का सही ढंग से पता है न, लेकिन उसके गीतों को आप सुनेंगे तो लगेगा इसमें कितने रस छंद और अलंकार मिले हुए हैं, आप इसके गीत को सुन के आप महसूस करेंगे। बिल्कुल आम लोगों के मुखारविंद से जो बातें निकली हैं वही इस लोकगीत। नहीं देखिए इसमें सभी रसों का सामंजस्य है, हमारे नौ रस हैं, नवो रस का इसमें सामंजस्य है विभिन्न जगहों पर। बहुत सारी इसकी कथानक है कि वो जट जटिन में प्यार होता है, तकरार होता है, गांव के गलत लोग उसे परेशान करते हैं, वहां संघर्ष भी करती है, वो गांव के गलत लोगों को कहती है कि सहजिया से काट देंगे तुम्हें, इतना वो नारी संघर्ष की बड़ी सशक्त गाथा है। फिल्म बनाने मैंने तो पहले भी कहा कि फिल्म इसलिए मैं बनाना चाहा कि अपनी लोक संस्कृति को, बिहार के जो लोक नृत्य है, बिहार में आप जाके स्कूलों में देखिए, आज वहाँ राजस्थानी नृत्य, मणिपुरी नृत्य, भांगड़ा, ये सब लोग करते हैं स्कूल के बच्चे, और अपने बिहार के लोक नृत्य के बारे में पूछिए तो उन्हें पता भी नहीं है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब स्कूलों में जो रिकॉर्डिंग डांस होगा वो जट जटिन का गीत बजा के होगा। दर्शक को मार्च में पहुँचाने की हम लोग चेष्टा कर रहे हैं, और मोटा मोटी तो बहुत चीज़ें पहुँच गई हैं, गीत रिलीज हो गया है, वो सारे गीत और उसके फॉर्म्स जो हैं वो सब आ चुके हैं, अब पूरा फिल्म जो है मार्च में हम लोग सोच रहे हैं। कहते हैं कि एक फिल्म बनाने के लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी होते हैं उन्हें कलाकारों के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है, तो आपकी फिल्म के जो कलाकार हैं उनके साथ कैसे तालमेल कैसा है, हीरो कलाकार? पता ही नहीं चला कि तालमेल कैसा रहा, लगा कि जैसे जल में कोई घुलनशील पदार्थ घुल जाता है, वैसे हमारे इस शूटिंग में सारे कलाकार इस तरह घुल गए कि कहीं पता ही नहीं चला कि कोई सामंजस्य बिठाने की भी जरूरत है। सब लोग काम करते रहे, एकदम कई कठिनाइयों में, मैंने कल भी कहा कि वो हमारे यहाँ मई के महीने में शूट हुआ था, काफ़ी गर्मी थी, और मुंबई से जाके जो हमारे 35 आदमी यहाँ से गए थे वो जाके वहाँ के 40-45 डिग्री के टेम्परेचर पर, और सूर गंगा जी नदी के किनारे जो बालू पर जो हमारी नायिका या हमारे डायरेक्टर्स या और जो हमारे दूसरे लोग हैं वो सब जो चलते थे उस बालू पर, उस गर्मी में बालू उड़ रहा है, सिर पर पूरा पड़ गया बालू, आप समझ सकते हैं इन लोगों ने कितनी मेहनत की, और वहाँ न घंटा भी नहीं घड़ी से देखते थे, जितना देर काम चल रहा। ये मैसेज, ये फिल्म में क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज में तो एक तो पहले अपनी अस्मिता, अपनी लोक संस्कृति, अपनी पहचान बनाए रखने की जरूरत है, दूसरी बात है कि
से पहचान की ही बात नहीं है, इसमें एक अपने गांव की कहानी है, गांव की समस्याएं, परिवार की समस्याएं, समाज की समस्याएं, राष्ट्र की समस्याएं, तमाम समस्याओं का सामंजस्य इसमें आपको मिलेगा। कि ये तरह तरह के, हमारे यहाँ से बिहार से मजदूरों का पलायन होता है, दूसरे दूसरे प्रदेशों में वहाँ से लोग जाके काम करते हैं, इसको भी हमने उसमें दर्शाया कि हमारा नायक पलायन करता है और उसके पलायन के बाद हमारी नायिका को उस गांव में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसको भी हमने देखा। जी, मौका भी है, मीडिया भी है और आपकी पिक्चर भी रिलीज होने की आई है, इस पिक्चर के बारे में दर्शकों को। हमारी बेसिकली हर आदमी की एक लाइफ, एक जिंदगी कि जैसे जो गांव में जो आदमी जीता है तो फर्स्ट एक प्यार होता है, ठीक है, उसको पता नहीं होता लेकिन एक प्यार हो जाता है। उसके बाद प्यार जब लोग उसके उस प्यार के बीच में आता है तो पता चलता है कि यार अच्छा हमें प्यार है और ये इससे लोगों को प्रॉब्लम है। तो कई लोग क्या होता है ना कि गाँव लेवल पर कई लोगों को प्यार हो जाता है और प्यार हो जाने तो दुनियादारी के चक्कर में वो अपने प्यार को छोड़ देते हैं, और कई लोग होते हैं कि जो प्यार के चक्कर में दुनियादारी को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो भूल गए कि दुनियादारी क्या है और एक प्यार हो गया, वो हमने वो दिखाया। उसका प्यार के बाद फिर वो दोनों की आम एक जिंदगी होती है ना आदमी की शादी में कैसे कल्चर जो दिखाया जाता है वो हमने उस मूवी में दिखाया गया। एंड उसके बाद शादी के बाद कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं एक आम इंसान को कि वो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना होता है, बड़ा करना होता है, सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए उसको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है हस्बैंड वाइफ को दोनों को, वो हमने इसमें दिखाया। और एंड में फिर फाइनली क्या होता है कि कोई कितना भी कुछ भी कर ले लेकिन जो एक प्यार होता है, एक लाइफ होती है, और जैसे ऊपर वाला बोलते हैं कि साथ है चाहे कोई कुछ भी हो लेकिन भगवान अगर साथ है तो सब कुछ सही हो जाता है। तो वही अपने एंड में वो भी दिखाया है कि भाई कितनी प्रॉब्लम्स आए आदमी स्ट्रगल करता है और स्ट्रगल का सारी चीज़ें सही हो जाती है। जैसा कि मैं इस पिक्चर के बारे में बात करूँ तो इसका नाम जट जटिन रखा है, तो जट जटिन से आपको वाक्य याद आता है कि इसका नाम रखने के पीछे कोई स्टोरी की कहानी थी आपने बेसिक जट जटिन नाम में क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारे प्रोड्यूसर साहब एंड हमारे राइटर अनिल सर की ये उत्पत्ति है और उनकी लाइफ का 35 इयर्स का उनका जो एक्सपीरियंस उन्होंने इस पर जो काम किया है तो उन्हीं का ये पूरा एक संस्करण है। किसी फिल्म को निर्देशन करना एक बहुत बड़ा काम होता है कि जब कोई जिम्मेदारी सर पे आ जाती है तो लोग कहते हैं बचपना याद आ जाता है, तो आप ये बताना चाहेंगे फिल्म को डायरेक्ट निर्देशन करने में कैसे कैसे अनुभव का सामना करना? देखिए मेरे जिंदगी में एक ही कुछ भी करो इन्जॉय करो, काम हो चाहे कुछ भी हो इन्जॉय करो। मैं अपने काम को इतना इन्जॉय करता हूँ कि कोई भी जो मेरी टीम होती है ना उनको भी बोली लगता है कि यार हम काम कर रहे हैं। मैं सारी टीम को काम करने का तरीका वो रहता है मेरा कि सब लोग इन्जॉय करो और काम करो, तो उसमें सारे लोग इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको कभी थकावट होती नहीं, उनको कभी फील होती नहीं कि हम काम कर रहे हैं कि इन्जॉय कर रहे हैं। मैं कहीं भी आउटडोर में जाता हूँ सब लोग जब लौटते हैं तो उनको लगता है कि सर हम कहीं ना कहीं एक पिकनिक मनाने के लिए आए थे और हम लोग अब अलग हो रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा, लोग एंजॉय करते हैं बेसिकली काम। जैसा कि आजकल सिनेमा में बाइस्कोप में चल रहा है कि लोग लीक से हटके पिक्चरें बना रहे हैं, नाम भी लीक से हटके रखा जा रहा है, तो इस पिक्चर में ऐसा क्या है जिसे दर्शक आपकी पिक्चर को देखें? इस पिक्चर में सबसे बड़ा तो जो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है ना उनकी जो हिम्मत है, जो उन्होंने एक बोलते हैं कि हौसला अपने आप दिखाया इस पिक्चर को बनाने का, बिकॉज लीक से हट गई टोटली लीक से हटकर है ये पुराना जमाना हमारा, हमने इंडियन कल्चर को प्रेजेंट करने की कोशिश की, आज के टाइम पर सब कमर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं कुछ भी बना देते हैं और पैसा आना चाहिए, लेकिन हमने इसमें कभी भी वो पैसा उस सोच के नहीं बनाया कि हम कितना कमाएंगे, नहीं हमने एक इंडियन कल्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की है और जिससे कि मतलब आम आदमी को पता चले कि भाई हमारा अतुल्य भारत क्या है, हमारा इंडियन कल्चर क्या है जो हमें आज तक एक इंडियन की जो खुशी देता है, जो जिस कल्चर में अगर हम कहीं भी जाएँ कहीं भी रहें लेकिन मुझे पता है मैं गाँव जाता हूँ अगर मेरी शादी होगी तो जिस कल्चर के साथ में होगी वो एक अलग ही इन्जॉय होता है, ठीक है। बट आज के टाइम पे क्या है कि डिजिटल जमाना हो गया, आदमी अपना अपना पर्सनली हो गया है, लेकिन जो हम एक कल्चरली कोई भी प्रोग्राम होते हैं जब हम लोग सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो कितना इन्जॉय करते हैं सारी चीज़ों को हमने इसमें। अभी आपने बताया कि जब आप गाँव जाते हैं जब एक जर्नी आप करते हैं दो दिन चार दिन या कोई भी जर्नी करते हैं तो उसके कुछ अमूल्य पल याद रहते हैं जर्नी के समय का, तो ये पूरी पिक्चर बनाने में कोई एक दो अमूल्य पल आपको याद रहे? सबसे पहला अमूल्य पल तो यही है कि जब मैं इस पिक्चर से जुड़ा था तो मुझे दो दिन पहले पता चला था कि मैं इस मूवी को डायरेक्ट करूँगा, मैं मधुबाला सीरियल डायरेक्टर होता था और मुझे हमारे जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर राजीव डायरेक्टर भी उनका फोन आया कि वो एक आए और आप मूवी डायरेक्ट,
पहले तो मैं एकदम शॉक रह गया कि ऐसे कैसे 2 दिन पहले मतलब तो मुझे कुछ पता नहीं और मूवी, बोला नहीं नहीं आप मिलिए कहाँ, तो एक तो ये पहला है। दूसरी बात तो जब हम वहाँ गए लोकेशन पे, तो देन वहाँ जाके देखा जो मेरा गांव का टोटली मतलब बिहार को जैसे मैंने सोचा नहीं था उससे एक अलग ही हट के मुझे जो गांव दिखा वो मेरे लिए एक बड़ी चैलेंजिंग एंड सरप्राइजिंग फैक्टर था। आखिरी सवाल, आप इस समय टीवी में दर्शकों टीवी के सामने हैं, दर्शकों को अपील करेंगे आपके पीछे? बिल्कुल, मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि अगर हमें एक रियल इंडियन रियल कल्चर जो हमारा भारत का है, और अगर हमें हमारी भारत की ब्यूटी को बचा के रखना है तो हमें अपने कल्चर को बचा के रखना है। और हमने इस मूवी में वही दिखाने की कोशिश की है कि हमारा जो कल्चर है जिसकी वजह से हमारे इंडिया की इंडियंस और जो भारतीय लोग हैं, भारतीय कल्चर है जिसकी बाहर भी लोग तारीफ करते हैं। जैसे हमारे अभी मूवी एडिट चल रहा था तो बाहर के लोग आए थे, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी वो इन्जॉय कर रहे थे, ठीक है। तो क्यों हमें पहले आगे बढ़ के हमारे कल्चर को बचाने की कोशिश की, और यही हमने इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। तो प्लीज़ इसको देखें और समझें कि हमारा कल्चर क्या है। जी, मौका भी है, मीडिया भी है, और आपकी पिक्चर भी रिलीज़ होने को तैयार है, तो इस पिक्चर के बारे में बताएं और ऐसा इस फिल्म में क्या है जो दर्शक देखने के लिए आए? सबसे पहले तो मैं अपने इस चैनल को देखने वाले आप सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं बस यही कहूँगी कि इस फिल्म में वही है जैसा कि मेरे डायरेक्टर सर ने बताया, हमारे फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर जी ने बताया कि इस फिल्म में आपको बाकी फिल्मों की तरह कुछ नहीं मिलेगा, ग्लैमर स्टाइल कॉमेडी सब कुछ मिलेगा, मगर एक कल्चर और एक इंडियन तरीके से और बहुत ही दिल से अच्छे तरीके से, मतलब हमारी फिल्म में जो भी है बहुत ही सिंपल सिटी है और मिट्टी की खुशबू है, और क्या बोलूँ मैं आपको। कहते हैं कि एक बड़ा रोल करने के लिए, एक यादगार रोल करने के लिए लोग काफ़ी पापड़ मिलते हैं, तो इस जटिन का रोल करने के लिए आपको कैसे कैसे भाव अनुभव करने पड़े? पापड़ तो बिल्कुल बेलने नहीं पड़े मुझे, क्योंकि मेरे जो राइटर थे वो मुझे हमेशा बताते रहते थे कि इस फिल्म में जटिन कैसी थी, कितना स्ट्रगल करती थी, या फिर एक औरत को कैसा होना चाहिए। मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का, स्ट्रगल कष्ट और उनकी लाइफ कैसी थी, जटिन की लाइफ। मगर वहाँ जो मेरे डायरेक्टर थे, जब भी मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा ख़राब होता था तो वो मुझे सपोर्ट करते थे, वो मुझे सिखाते थे, और मेरे जो क्रिएटिव थे रूपक सर, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला मेरी यूनिट की तरफ से, तभी मैं शायद जटिन के कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाई हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलिए रेडी, हाँ रोल। सर, मौका भी है, मीडिया भी है, और आपकी फिल्म दर्शकों के बीच आने के लिए तैयार भी है, तो दर्शकों को इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहिए? ये फिल्म आप लोगों को अलग लगेगी, जो आप लोग रोज़ देखते हैं, खास करके हमारे इंडिया में या बिहार में, बेसिकली बिहार में जो फिल्में रोज़ रिलीज होती है हम लोग देखते हैं। और मुझे पता है कि हमारे पापा आज तक कभी लेके नहीं गए उस फिल्म को देखने के, क्योंकि पूरी फैमिली के साथ देखने लगे तो फिल्म वहाँ लगती नहीं। और ये फिल्म ऐसी है कि आप पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ, पूरा एंटरटेनमेंट के साथ देखेंगे, और आपको एक मिट्टी की गंध, मिट्टी की सुगंध, और आपका एक कल्चर और संस्कृति सब आपको इसमें मिलेगा एक साथ। जहाँ तक सवाल है जटिन का, तो इसमें ऐसे कोई सॉन्ग है, गीत है जो आपके लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा हो और आपकी जुबान पर भी हो? एक्चुअली जटिन का गीत जुबान पर ऑलरेडी पहले से चला हुआ है, बिहार का बिल्कुल फोक है जो कि हर घर में, हर हर समाज में रोज गाया जाता है, और इसमें तो आपको और नया मिलेगा और अच्छे तरीके से आपको सब इसमें टिकवा जो मंगली और रजट्टा, ये तो फेमस है जो कि सबके जवान पर अभी से ही है। दर्शकों को थोड़ा सा गुनगुना के सुना देंगे? टिकवा जब जब मंगली और रजट्टा, टिकवा काहे न लोले रे, अरे